हेलो स्टूडेंट्स, आज आपसे बात होगी मूक के विषय में। ठीक है, मूक सब बहुत ज्यादा प्रचलन में आ गया ये शब्द। अभी 2, 4, 6 साल पहले तक इसके विषय में बहुत कम जानकारी थी, टीचर्स को भी इवन, और अब तो सब लोग जान गए मूक के बारे में। बहुत अच्छा एक्रोनिम है ये। मूक का अपने आप में भी शब्द हिंदी का होता है, लेकिन इसको हमको उस टाइम में नहीं समझना है। मूक का मतलब यहाँ MOOC से एक्रोनिम है ये। यहाँ पे M का मतलब है मैसिव। मैसिव का मतलब लार्ज इंटेंडेड ऑडियंस, मतलब कि हमारी हमको ये क्लास में 100 बच्चे हो सकते हैं, 200, 300, किसी ऑनलाइन कोर्स में 500 हो सकते हैं, 1000, 2000, लेकिन ये जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, इसके लिए मान के चल रहे हैं कि हमारे पास लार्जर इंटेंडेड ऑडियंस होगी, यानी कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स, इवन फैकल्टी भी इसमें इनरोल हो सकती है, इवन मोर देन 10,000, और समटाइम्स इन इवन इवन मोर। अच्छा, उसके बाद जो सेकेंड ओ है उसका मतलब यहाँ पर है ओपन। ओपन का मतलब खुला हुआ है। खुला हुआ है मतलब कोई रोक टोक नहीं है। रोक टोक के सेंस में कि आप BA किए हुए हैं, BSc किए हुए हों, या आप कोई पर्टिकुलर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री हो, या कोई प्री रिक्विजिट की ये बात नहीं करते हैं, कोई पूर्व दशा की बात नहीं करते हैं कि वही अगर आपके पास है तभी आप इस मूक में एडमिशन ले सकते हैं, इनरोल हो सकते हैं। तो कोई प्री रिक्विजिट आपसे नहीं मांगते हैं। सिंपल बेसिक इंग्लिश या जिस भी भाषा में वो मूक हो उसकी उसकी जानकारी आपसे मांगते हैं, इसलिए ये ओपन है। फिर ऑनलाइन है ना, यानी कि ये खास बात ध्यान देने की है कि जब तक आपके पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है तब तक आप किसी मूक में इनरोल नहीं हो सकते, या सिर्फ आर्चीव कोर्सेज में भी जाके उसको पढ़ नहीं सकते। ठीक, तो ये सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल हमको कब, इस किस दशा में होगा, जब हम ऑनलाइन होंगे। और लास्ट में जो इसका सी है, सी का मतलब है कोर्स। देखिए, आपने अगर कोर्सेरा का या स्वयं का कोई मूक किया होगा, अक्सर इवन कोर्सेरा वाले में लिख के आता है कि इट ऑफर्स अ नॉन क्रेडिट कोर्स। नॉन क्रेडिट का क्या मतलब? नॉन क्रेडिट का मतलब है कि ये कोर्स आपकी किसी एकेडमिक डिग्री के फुलफिलमेंट के लिए नहीं है। मतलब ये नहीं कहेंगे कि आप इसको करके आप MA एजुकेशन में आपको ये इतना क्रेडिट मिल जाएगा, या MA फिलोसफी में मिल जाएगा, या MSc मैथमेटिक्स में मिल जाएगा। ये सारे कोर्सेज जो हैं वो वोकेशनल, आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए हैं। ठीक है, अच्छा, तो एक खास बात, और अब तो सभी जान गए हैं लेकिन फिर भी चूंकि मूक के बारे में बताया जा रहा है तो बताना जरूरी है कि कब ये शब्द आया, किसने दिया, कब पहली बार मूक बनाया गया। तो ये बहुत पुराना नहीं है, देखिए सिर्फ सन 2008 की बात है, उसके पहले कहीं दुनिया में इसका जिक्र नहीं था। तो उस हिसाब से हम लोग जल्दी ही इससे जानकारी हम लोगों को मिल गई है। तो क्या कह रहे हैं कि दिटा मूक वॉज फर्स्ट कॉइन इन 2008 बाई हुम? डेविड कॉर्मियर एंड ब्रायन एलेक्जेंडर इन रेफरेंस टू ए 2008 कोर्स। यानी कि 2008 में एक कोर्स बनाया गया था जिस कोर्स का नाम था कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज, जो कि किसने पढ़ाया था? टॉट बाय जॉर्ज सीमेंस एंड स्टीफन डाउन्स। यानी कि ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा में पढ़ाने वाले दो प्रोफेसर्स थे, जॉर्ज सीमेंस और स्टीफन डाउन्स, इन्होंने एक ये कोर्स बनाया कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज, जो सोच के बनाया कि ये सोच के बनाया कि ज्यादा से ज्यादा हम स्टूडेंट्स को, ज्यादा से ज्यादा जानने वालों को इसके बारे में जानकारी प्रदान कर सके। तो इस कोर्स को नाम मूक जो दिया है वो डेविड कॉर्मियर और ब्रायन एलेक्जेंडर ने ये सोच के दिया कि ये मैसिव है, ओपन है, ऑनलाइन है, और कोर्स है किस तरीके का कोर्स है? नॉन क्रेडिट। ठीक, तो बनाया किसने सबसे पहले? जॉर्ज सीमेंस एंड स्टीफन डाउन्स ने। नाम किसने दिया है? डेविड कॉर्मियर और ब्रायन एलेक्जेंडर ने। ओके, अच्छा, टाइप्स ऑफ मूक। जब आप टाइप्स ऑफ मूक पे जाएंगे तो अब तो आपको बहुत तरीके के मिलेंगे। बी मूक, जहाँ पे मैसिव को वो बिग कह दे रहे हैं, मतलब यहाँ M फॉर मैसिव है ना, वो बी मूक कह देते हैं, यानी बिग मूक है। इस तरह से बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेनली आप दो जानिए फिलहाल, सी मूक और एक्स मूक, और दोनों में पेडगोजिकली भी डिफरेंस है, मतलब कि पढ़ाने की विधा भी दोनों की अलग है, किस तरीके से हमको करना है। ध्यान क्या देना है कि दोनों ही मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, पर इसमें आगे छोटा सा प्रीफिक्स सी लिखा है और इसमें स्मॉल एक्स लिखा है। तो ये जो स्मॉल सी है इसका मतलब है कनेक्टिविस्ट, या कहीं कहीं आप ढूंढेंगे तो कोलैबोरेटिव भी मिलेगा। मतलब
कि ये जो प्रकार का मूक है उसमें हम कनेक्शंस पे ध्यान दे रहे हैं, कोलैबोरेशन पे बल दे रहे हैं, यानी कि इसमें कम्युनिटी पे बल है। और जैसे कि आगे ये लिख भी रहा है, इन्वॉल्व्स ग्रुप ऑफ पीपल लर्निंग टुगेदर, यानी कि सॉरी इसमें क्या है, बहुत सारे लोग आपस में सीख रहे हैं, यानी कि वो टीचर्स लर्नर्स, टीचर्स एज वेल एज लर्नर्स के रोल में है। यानी कि ये ऐसा नहीं कि कोई एक टीचर है और वो अपना प्री रिकॉर्डेड वीडियो है वो जो दिखा रहा है, और जनरली जो होता है कि लेक्चर एक रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दिखाया जाता है और एक जो होता है वो इंस्ट्रक्टर होता है, बाकी सब पार्टिसिपेंट्स या लर्नर्स होते हैं। लेकिन सी मूक कह रहा है कि नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल लर्निंग टुगेदर, सभी सीख रहे हैं, सभी एक दूसरे को सिखा रहे हैं, इसलिए टीचर भी है, सभी सीख रहे हैं इसलिए लर्नर भी है। और इसमें फोकस किस पे, फोकस ऑन नॉलेज क्रिएशन एंड जनरेशन, यानी ज्ञान के निर्माण पर इस पर बल है। और ये कनेक्शंस या कम्युनिटी या डिस्कशन फोरम या कोलैबोरेशन पर बल देता है। जबकि एक्स मूक में एक्स क्या है, एक्सटेंडेड, ये एक्सटेंडेड के शॉर्ट फॉर्म को एक्स लिख दिया है, इसमें कैपिटल एक्स, इसलिए बीच में लिखा है कि इसका एक्स लिया है इन्होंने यहाँ पे, है ना, ये ई मूक नहीं किया है एक्सटेंडेड जैसे कनेक्टिविस्ट, एक्स मूक, एक्स फॉर एक्सटेंशन। क्या कह रहे हैं, इट इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल कोर्सेज, है ना, जो हमारे, जैसे मान लीजिए कि आप कोई मूक ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस पे बहुत मूक मिल जाते हैं ना, और जो हमारे ट्रेडिशनल कोर्सेज का हिस्सा भी है इमोशनल इंटेलिजेंस, लगभग हर साइकोलॉजी एजुकेशनल साइकोलॉजी के सिलेबस में इमोशनल इंटेलिजेंस जरूर रहता है। फिर कहाँ अवेलेबल है, एग्जाम्पल्स ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक ईडीएक्स, अभी आपको मैं बताऊंगी कितने ग्लोबल प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, बहुत सारे हैं, ईडीएक्स, कोर्सेरा, यूडेसिटी पे जितने प्रोग्राम्स, जितने मूक्स आजकल अवेलेबल हैं वो सब मेनली क्या है, एक्सटेंडेड। यहाँ क्या होता है, ईच इंडिविजुअल इज आइदर ए टीचर एंड लर्नर, यानी कि रोल एकदम डिफाइंड है, जो सिखा रहा है वो टीचर है, जो सीख रहा है वो लर्नर है। और फोकस ऑन नॉलेज डुप्लीकेशन, यानी कि यहाँ दो लोग मिलकर क्रिएट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म यहाँ चल रहा है, जबकि यहाँ पे नॉलेज हमको प्रदान की जा रही है और हम सीख रहे हैं। ओके, अच्छा, ग्लोबल मूक प्रोवाइडर्स, देखिए ग्लोबली आप समझ ही रहे हैं कि पहले 2008 में हुआ, फिर धीरे धीरे करते 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 हुआ, आपको पता होगा, होना चाहिए कि 2012 को मूक का ईयर घोषित किया गया, ईयर ऑफ द मूक 2012। फिर उसके बाद हमने, इंडिया ने इसमें काम करना शुरू किया, और अब तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे नेटिव प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटिव मतलब हमारी देशी प्लेटफॉर्म है जो कि मूक्स ऑफर करते हैं। तो ग्लोबली देखिए ये 10 प्लेटफॉर्म के नाम मैंने लिखे हैं, जिसमें से कोर्सेरा नो डाउट सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और आपको ये जानकर खुशी होगी और आश्चर्य भी होगा कि हिंदुस्तान यानी कि भारत के जो स्टूडेंट्स फैकल्टी हैं वो सबसे ज्यादा कोर्सेरा में इनरोल होते हैं, और यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा अगर स्टूडेंट्स कोर्सेरा के पास हैं जो इनरोल्ड है वो इंडियंस है, ठीक। और इंडियंस में भी कौन सबसे ज्यादा बच्चे हैं, मुंबई एंड बैंगलोर, यस मुंबई और बैंगलोर के स्टूडेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इनरोल हैं, और यूपी वगैरह का प्रपोर्शन थोड़ा कम है। अब हमारे यहाँ अवेयरनेस आई है, और ख़ास तौर से ये कोविड पेंडेमिक का जो पीरियड मिला, जो लॉकडाउन का पीरियड मिला, जो स्टूडेंट्स को, जो फैकल्टी को, तो बहुत 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 लोग बहुत सारे मूक्स में इनरोल हुए, बहुत कुछ सीखा, और बहुत सारे कॉलेजेस अपना फ्लैगशिप प्रोग्राम भी चला रहे थे जिसमें वो फ्री मूक्स ऑफर कर रहे थे, इवन कोर्सेरा भी अपना फ्री मूक ऑफर कर रहा था। अब बंद हो गया है वो सब, क्योंकि अब धीरे धीरे हर जगह लॉकडाउन अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई, आप जानते हैं। अच्छा देखिए, ये जो 10 प्लेटफॉर्म के नाम आपको बताए गए उन सबका देखिए एक टैगलाइन है, टैगलाइन या कह सकते हैं उनका मिशन जिसके तहत वो काम करते हैं। जैसे कोर्सेरा का क्या है, टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू द वर्ल्ड्स बेस्ट एजुकेशन, यानी कि विश्व की जो सबसे अच्छी शिक्षा है उसका यूनिवर्सल एक्सेस, यानी हर किसी तक हम उसका पहुंच प्रदान कर सकें। EDX क्या कह रहा है, हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन बोथ ऑनलाइन एंड इन द क्लासरूम, यानी कि क्यों सिर्फ आपको कक्षा कक्षों में ही हाईएस्ट क्वालिटी का एजुकेशन मिले, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हॉवर्ड यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स क्यों बेस्ट एजुकेशन को अवेल करें, क्यों नहीं हिंदुस्तान के किसी छोटे से गांव का भी अगर स्टूडेंट है तो वो क्यों नहीं अवेल कर सकता है, कर सकता है अगर वो ऑनलाइन मिल जाए उसको किसी मूक प्लेटफॉर्म पे, है ना। तो ये इनका थीम है, इनका मिशन है, इसके तहत ये काम करते हैं। उडेसिटी क्या कहता है, टू ब्रिंग एक्सेसिबल अफोर्डेबल इंगेजिंग एंड हाईली इफेक्टिव हायर एजुकेशन टू दी स्टूडेंट्स, ऐसे करके, है ना, यानी एक्सेसिबल मतलब सब तक उसकी पहुंच हो, अफोर्डेबल मतलब सब उसको अफोर्ड कर पाए, महंगा ना हो इतना, इंगेजिंग
आपको पता है कि कहा जाता है कि जो ट्रेडिशनल क्लासरूम एक्टिविटी थी उसमें स्टूडेंट जो था वो पैसिवली रिएक्ट करता था, यानी कि इंगेज नहीं होता था क्लासरूम एक्टिविटी में, जबकि एजुकेशनल साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स के एप्लीकेशन के बाद हम जानते हैं कि हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो डायलॉजिकल होनी चाहिए, मोनोलॉग ना हो, सिर्फ ऐसा ना हो कि स्टूडेंट बैठा हुआ है और टीचर बोल रहा है, तो इंगेज रखना है स्टूडेंट्स को और हाईली इफेक्टिव। ओके, जनरली जो मूक्स हैं वो हायर एजुकेशन के लिए ही बनाए गए, लेकिन अब के 12 यानी कि 12th स्टैंडर्ड तक के भी मूक्स अवेलेबल हो गए हैं और बहुत ज्यादा बन रहे हैं। फ्यूचर लर्न ये क्या कह रहा है, लर्निंग शुड बी एन एंजॉयबल सोशल एक्सपीरियंस, यानी कि जो सीखना है वो एंजॉयबल होना चाहिए, यानी उससे आपको खुशी मिले, और एक सामाजिक अनुभव होना चाहिए, यानी कि ये भी कम्युनिटी पे बल देंगे। नोवो एज क्या कह रहा है, टू ब्रिंग ऑन द कटिंग एज ऑफ इनोवेशन इन पेडेगोजी, यानी कि पेडेगोजी जो है वो शिक्षण शास्त्र जो है उसमें जितना भी इनोवेशन है वो सब आप तक पहुंचाया जा सके। फिर आईवर्सिटी कह रहा है, नॉट टू रिप्लेस यूनिवर्सिटीज बट टू एम्पावर एकेडमिक्स, हमको यूनिवर्सिटीज को रिप्लेस नहीं करना है कि सारी हम सारे विश्वविद्यालय हटा दें, बल्कि जो एकेडमिक्स है पढ़ने पढ़ाने का कार्यक्रम है उसको हमको एम्पावर करना है, जो पढ़ाने वाले लोग हैं जो सीखने वाले लोग हैं उनको एम्पावर करना है। कैनवस ये कह रहा है, ऑफर्स ओपन ऑनलाइन कोर्सेज टॉट बाई एजुकेटर्स एवरीवेयर, देखिए सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ ई होना चाहिए था। तो कैनवस क्या कह रहा है कि ऑनलाइन कोर्सेज टॉट बाय एजुकेटर्स एवरीवेयर, यानी हर जगह हम उन ऑनलाइन ऑनलाइन कोर्सेज को उपलब्ध करा पाए जो बेस्ट एजुकेटर्स ने बनाया हो। ओपन टू स्टडी, कनेक्टिंग विद द अदर स्टूडेंट्स इज ए पावरफुल वे टू लर्न, यानी कि जितना ज्यादा हम दूसरे स्टूडेंट से कनेक्शन कर पाएंगे उतना ही हमारा सीखना क्या हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। ओपन लर्निंग क्या कह रहा है, फोकस ऑन कम्युनिटी कनेक्टेडनेस एंड स्टूडेंट एंगेजमेंट, इन्होंने भी कम्युनिटी के संग कनेक्शन और स्टूडेंट के एंगेजमेंट को बल दिया है। और यूडेमी कह रहा है, टू हेल्प एवरी वन लर्न एनीथिंग, यानी हर किसी को हर चीज सिखाने में मदद की जा सके, ये इनका मिशन है। ठीक, ब्यूटिफुली मेड टैगलाइंस। ठीक, अच्छा अब देखिए इमर्जेंस ऑफ मूक्स इन इंडिया, मैंने बहुत शॉर्ट बनाया है, एक पूरा पेपर आर्टिकल स्वयं पे लिखा जा सकता है, एनपीटेल पे लिखा जा सकता है, सब पे लिखा जा सकता है, लेकिन आप इसको खुद ढूंढिए। मेरी कोशिश सिर्फ ये है कि आपको एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच में मैं बता सकूं कि मूक क्या है। तो अगर हम हिंदुस्तान में बात करें, भारत में बात करें मूक की, तो हमारे यहाँ 2013 में सबसे पहले ईपीजी पाठशाला के तहत ये सोचा गया, 72-75 कुछ पीजी के विषय थे जिनमें ये सोचा गया कि हम कोर्स कंटेंट अपलोड करेंगे, तब तक ये मूक वाली बात हो गई और इसको ये इन्होंने बीच में छोड़ दिया, अब ईपीजी पाठशाला पे काम नहीं हो रहा है, मूक पे काम हो रहा है। तो ये जो ईपीजी पाठशाला था वो कल किसने शुरू किया था, इन्फ्लिपनेट सेंटर ऑफ यूजीसी, आप जानते होंगे ना इन्फ्लिपनेट, नहीं जानते तो ढूंढिए, हर चीज कुछ ढूंढेंगे तो कुछ नया जान पाएंगे। लाइब्रेरी नेटवर्क के लिए है ये। अच्छा, स्वयं का फुल फॉर्म, हर कोई एक्रोनिम है, एनपीटेल ये सब, स्वयं देखिए अपने आप में भी स्वयं का मतलब है कि आप खुद कर पाए, और इसका फुल फॉर्म भी है हाउ ब्यूटिफुली मेड स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, खुद ही समझ सकते हैं आप कि यंग जो हमारा यूथ है जिसका माइंड एस्पायरिंग है, जो एस्पायर करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए हमको क्या प्रोवाइड करना है, एक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, और किसके तहत, वेब प्लेटफॉर्म के तहत, है ना, बहुत सुंदर है ये। अच्छा किसने कब आया ये, लॉन्च इन अगस्त 2014, 2014 अगस्त में पहली बार लॉन्च हुआ, फिर आप लोग यूट्यूब देखते हैं तो आप जरूर जानते होंगे, वो बताता है ना बीटा वर्जन है, तो ये इसका बीटा वर्जन है, अगस्त 2016 में आया और फिर फुल्ली लॉन्च हुआ है कब, 2017 में। ठीक, फिर आया बात एनपीटेल, एनपीटेल बहुत सुनते होंगे आप लोग, एनपीटेल क्या है, एनपीटेल आया तो पहले है 2003 में, लेकिन हम स्वयं के बाद इसको बता रहे हैं क्योंकि स्वयं जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, बहुत बहुत कोर्सेज स्वयं पर अपलोडेड हैं, मूक कोर्सेज, मूक्स मूक में अपने आप में कोर्स है, और वो फ्री सर्टिफिकेट फ्री है अगर आप सिर्फ उसको पढ़कर निकल जाए, और अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए वो फी चार्ज करते हैं। तो एनपीटेल का फुल फॉर्म अगर जाने तो नेशनल प्रोग्राम ऑफ टीचिंग इनहेंस्ड लर्निंग, है ना, फंडेड बाय एमएचआरडी, अब आपको पता है एमएचआरडी का नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, इनिशिएटेड इन 2003, 2003 से ही चल रहा है एनपीटेल, और किसके इनिशिएटिव से बना है, जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ 7 आईआईटीज एंड आईआईएससी, आपके 7 आईआईटी जिसमें आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर और भी हैं, और आईआईएससी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। अच्छा ये जो एनपीटेल है वो पहले
साइंटिफिक वोकेशनल और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए ही को ही लॉन्च करा था, लेकिन अब ये सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज भी इसमें हैं। ठीक, आपको पता ही होगा कि आईआईटीज में भी अब सोशल स्टडीज, सोशल साइंसेज सॉरी एंड ह्यूमैनिटीज पढ़ाया जा रहा है, इसलिए ये कोर्सेज भी इसमें इन्वॉल्व इंक्लूड हो गए हैं। मूक किट ये बहुत अच्छा सा है, आपने अगर देखा हो कभी या जाइए इसकी साइट पे। मूक किट ये किसने शुरू किया है, इसका इनिशिएटिव आईआईटी कानपुर का इनिशिएटिव है, मूक मैनेजमेंट सिस्टम और कोलैबोरेशन। आप जाएंगे मूक किट के प्लेटफॉर्म पे तो आप देखेंगे कि इस पे जो कोर्सेज है वो कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग से कोलैबोरेशन में है, यानी कि अगर आप इसका कोई कोर्स करते हैं तो आपको कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग का सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, और पैसा इनको कौन दे रहा है, फंडिंग कौन कर रहा है, हमारी जो पीएमएमएन एमटीटी की स्कीम है, पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर एंड टीचिंग। ठीक, तो ये भी टीचर एंड टीचिंग यानी कि शिक्षकों को शिक्षण प्रक्रिया को एम्पावर करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत सरकार पैसा देती है इसमें, और बहुत सारे प्रोग्राम इसके तहत होते हैं ऑल फ्री ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, अच्छा फिर आईआईटी बॉम्बे एक्स, यानी आईआईटी बॉम्बे का प्रोग्राम है ये नॉन प्रॉफिट मूव प्लेटफॉर्म है एंड इनिशिएटेड बाय आईआईटी बॉम्बे इन 2014। और भी हैं लेकिन मैंने आपको फिलहाल यही चार बताने की जरूरत है, जिसमें से भी स्वयं बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग जानते हैं, एनपीटीएल भी काफी लोग जानते हैं, लेकिन मूक किट और आईआईटी बॉम्बे एक्स अभी उतना पॉपुलर नहीं हुआ है, तो इसको भी आप जानिए, बहुत अच्छा है प्रोग्राम, आप इसमें इनरोल होकर कोर्सेज भी कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मूक्स, देखिए कई बार ये बात होती है कि आप जब इम्पॉर्टेंस ऑफ मूक्स पढ़ेंगे, जब आप इनकी क्यों मूक की आवश्यकता ये पढ़ेंगे, तो इतना लिटरेचर अवेलेबल है और सब ये कहता है कि ये बढ़िया है, ये बढ़िया, ये अच्छा, ये अच्छा है, तो ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाली फ्यूचर समय में, भविष्य में यूनिवर्सिटीज खत्म हो जाएंगी और सिर्फ यही कोर्सेज होंगे और इन्हीं कोर्सेज से सब लोग पढ़कर एकदम विद्वान हो जाएंगे। तो बहुत सारी इससे अपेक्षाएं हैं, आशाएं बहुत सारी। क्या क्या अपेक्षाएं, देखिए ये क्या कर सकता है, कैन इमर्ज एज एन इनहेरेंट चॉइस ऑफ अवर यूथ, ये हमारे जो युवा हैं उनकी एक इनहेरेंट चॉइस के रूप में इमर्ज हो सकता है। क्यों, क्यों, क्योंकि ये सारा कुछ क्या हो रहा है, ऑनलाइन, और युवा क्या रहते हैं, ऑनलाइन रहते हैं ना हमेशा, आप लोग हमेशा ऑनलाइन रहते हैं ना, नेट पैकेट चला रहता है, डेटा पैकेट चलता रहता है, व्हाट्सएप चलता रहता है, फेसबुक होता है, अब तो ट्विटर इंस्टाग्राम भी आ गए हैं लोग सेलिब्रिटीज का देखा देखी है ना। लेकिन इसलिए अगर आप ऑनलाइन दिन भर रहते हैं तो पढ़ाई भी अगर ऑनलाइन आपको मिल जाएगी तो आपको यूज्ड टू लगेगा, मतलब ये नहीं लगेगा कि आपने कहीं डाइवर्जन किया, लग रहा है कि भाई जो हमने फन कर रहे थे, जो एक्सप्लोर कर रहे थे, उसको एकेडमिक्स में कर लिया, तो ये चॉइस बन सकता है। दूसरा क्या है, टू इंक्रीज अवर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन सेक्टर। आप रिसर्च उठा के पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि हायर एजुकेशन सेक्टर में 23.4% कहीं कहीं मिलता है, कहीं 24, कहीं 25, यानी केवल 25% स्टूडेंट्स एनरोल हैं। और आप देखिए एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की रिपोर्ट आई, वो बोलते हैं 2030 तक हमें इतने परसेंट एनरोल कर लेंगे, 2040 तक इतने परसेंट एनरोल करेंगे, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि बहुत कितना मुश्किल है इतने सालों में इतना कुछ करने के बाद हम 25% तक ला पाए इस स्टेज को, इस अमाउंट को। और आप जानते ही होंगे और ऑब्वियस है कि जितने भी हमारे जैसे डेवलप्ड कंट्रीज है, अमेरिका है, फ्रांस है, ब्राजील है, और इवन चाइना है, इधर हमारा जो सिंगापुर है, मलेशिया, उनमें हायर एजुकेशन सेक्टर में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बहुत ज्यादा है। तो 25% अगर छात्र हायर एजुकेशन में जा रहा है, इसका मतलब 75% अभी भी नहीं जा रहा, तो वो 75% को हम इन मूक्स के तहत इनरोलमेंट देके ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ा सकते हैं, अगर हम कोर्सेज जो है वो नॉन क्रेडिट कोर्स की जगह क्रेडिट कोर्स भी इस पे आ जाए तो, है ना। फिर एनी स्टूडेंट कैन गेट बेनिफिटेड बाय कोर्सेज ऑफर्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल रिप्यूट, मतलब कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र बढ़िया से बढ़िया राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो बढ़िया रेपुटेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे उनके कोर्सेज का बेनिफिट मिल सकता है उनको, है ना, संभव है, आप समझ ही गए इतनी देर में। फिर मेक अवर स्टूडेंट्स पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट कम्युनिटी, अगर आप किसी कोर्स में कभी इनरोल होंगे तो आप जानेंगे उसमें वो एक डिस्कशन फोरम बनाते हैं, वो कहते हैं, फिर बीच बीच में वो कोई ऐसा प्रोबिंग क्वेश्चन डालेंगे, फिर कहेंगे कि आप जाइए वहाँ डिस्कस कीजिए, तो आप कोई कमेंट करते हैं उस पर, बाकी लोग उसको फ्लैग करते हैं उस सबमिशन को, अगर उनको पसंद आता है, या उस थ्रेड को हाईलाइट करते हैं, ऐसा करते हैं। आप जब इनरोल होंगे तब आपको पता चलेगा। तो आप कोई रूस का, कोई फ्रांस का, कोई मलेशिया का, कोई सिंगापुर का, कोई चीन का, कोई पाकिस्तान का स्टूडेंट उस कोर्स में इनरोल है, तो आप एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं, जो कि यहाँ संभव नहीं,
और किसी तरीके से। फिर cater to the diverse needs of students, यानी कि जो छात्र हैं उनकी बहुत विविध आवश्यकताओं की ये पूर्ति कर सकता है। fulfill demands of various pedagogical principles, बहुत सारे शैक्षणिक हमारे जो सिद्धांत हैं उनकी demands को पूरा कर सकता है। कैसे? कि immediate feedback, और immediate feedback है, self-paced है ना, और आपके लर्निंग स्टाइल को सूट करता है, इस तरीके के बहुत सारे वीडियो भी है, टेक्स्ट भी है, एनिमेशन है, ग्राफिक्स है, यानी कि आपके बहुत सारे सेंसेस को केटर करने के लिए बनाया गया है, इसलिए बहुत सारे पेडागॉजिकल प्रिंसिपल्स को भी ये सफिस करता है। ओके, और लास्ट में क्या है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट ऑफर रेंज ऑफ चॉइसेस, है ना, हमारे सामने बहुत सारे चॉइसेस, बहुत ऑफर हमको मिल जाते हैं चुनने के। बिफोर नॉट सो एफ्लुएंट स्टूडेंट्स एज मोस्ट ऑफ द कोर्सेज आर फ्री और ऑफरिंग फाइनेंशियल एड ऑन डिमांड, है ना, यानी कि केवल जो धनाढ्य वर्ग है उन्हीं के सामने नहीं, बल्कि जो हमारा मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय छात्र है उसके सामने भी बहुत सारे चॉइसेस का उनको ऑफर मिलता है, और जो कि हमको अक्सर फ्री भी मिल जाता है, या कभी कभी फाइनेंशियल एड अगर आप टिक कर दें तो आपको थोड़ा लेस फी में भी काम चल जाएगा। अच्छा, अब बात आती है रियलिटी चेक, यानी कि ये जो एक्सपेक्टेशंस हमने ऊपर पढ़े हैं अगर हम इनको रियलिटी में देखें कि कितना अचीवेबल है तो कहाँ तक अचीवेबल है। सबसे पहली बात कि वो जो कहता है कि कोर्स फ्री है, क्या मे, लेकिन क्या होता है एक्चुअली, मे बी कोर्सेज आर फ्री बट हिडन कॉस्ट तो है, किस टर्म्स में, हार्डवेयर, आपके पास बढ़िया मोबाइल होना चाहिए, सॉफ्टवेयर, उसमें बढ़िया सॉफ्टवेयर पड़ा होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा होनी चाहिए, अगर आप बढ़िया मोबाइल लेके घूम रहे हैं और वो चार्ज ही नहीं है तो किसी काम का नहीं है ना। अभी दो दिन लाइट नहीं थी ना, तो हम लोग समझ गए सब कुछ बैठ गया, लैपटॉप से लेके मोबाइल तक सब कुछ, लाइट है तब वाईफाई है, लाइट नहीं है तो वाईफाई नहीं है, डेटा पैकेज से बढ़िया चलता नहीं है, बीच बीच में उसका कनेक्शन टूट जाता है, एंड ब्रॉडबैंड कनेक्शन, तो ये सारे हिडन कॉस्ट है ये, जो कि हमको समझ में नहीं आते। इतना सब कुछ होगा तभी तो आप एनरोल हो पाएंगे ना, तभी आप उस कोर्स का हिस्सा बन पाएंगे, तभी आपको उसका फायदा होगा, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, दे जनरली डिमांड फी फॉर सर्टिफिकेशन, मैंने आपको बताया ना कि वो कहते हैं कि आइए आप कोर्स करिए और कोर्स पढ़ लीजिए और अपने ज्ञान में वृद्धि कर लीजिए, लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए कि प्रमाणित किया जाता है कि आपने ये कोर्स किया है, तो आपको कुछ फीस डिपॉजिट करनी पड़ती है, यानी कि ये टोटली फ्री नहीं है, जो कि भ्रमित होता है शुरुआत में आदमी कि ये फ्री है। तीसरा, ए हाई इंटरनेट स्पीड इज रिक्वायर्ड, है ना, जैसे कि अभी पहले बात की गई कि अच्छी स्पीड चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि वो हम उसमें बढ़िया मजा नहीं आएगी ना, वीडियो चल रहा है बार 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 बार, वो घूम रहा है तो आपका उसमें खुद ही आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, आप उसे छोड़ देंगे पढ़ना, जो कि जनरल इंडियन स्टूडेंट्स, यानी हम जो बढ़िया, हम हाईटेक सिटीज की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे शहर और गांव हैं जहां पे अभी भी ब्रॉडबैंड की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है, कहने को 4G मोबाइल पे आता है लेकिन वो कितनी स्पीड आती है सबको पता है। फिर अदर ऑब्स्टिकल्स भी हैं, कौन कौन से, डिजिटल और लैंग्वेज लिटरेसी के टर्म्स में, यानी कि अभी भी हमारी जो हायर एजुकेशन के छात्र हैं वो बहुत ज्यादा इंग्लिश में कंफर्टेबल अपने आप को नहीं फील करते हैं ना, और सारा का सारा मूक आपको कोई भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हिंदी में नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, इंग्लिश वो जो इंग्लिश में मिलेगा उसमें भी उनका जो एक्सेंट होता है ना, किसी का ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट है, किसी का अमेरिकन है, किसी का रशियन है, तो वो थोड़ा उस तरीके से बोलते हैं कि नॉर्मल बच्चे को समझने में बहुत दिक्कत होती है। वो बात दूसरी है कि 2-3-4 वीडियो आप देख लेते हैं तो आप बहुत ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो साथ में लिख के नहीं आता है ना। तो क्या कह रहे हैं, मोस्ट ऑफ, यही मैंने कहा है कि मोस्ट ऑफ द कोर्सेज आर इन इंग्लिश, इन एडिशन टू दिस इट सीम्स टफ टू अवर स्टूडेंट्स टू कैच देयर एक्सेंट आल्सो, उनका एक्सेंट पकड़ना भी आपके लिए मुश्किल है अगर आप इंग्लिश समझते हैं तो भी। फिर और बाकी तो स्पैनिश चाइनीज वो हमारे किसी काम का नहीं है। फिर हाई ड्रॉप आउट रेट्स, बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट रेट्स है मूक्स का, हजारों बच्चे इनरोल होते हैं और कुछ सैकड़ों में आते हैं, कुछ सौ में होते हैं जो कि उसको पास करके अपना सर्टिफिकेशन हासिल करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये जनरली ऑनलाइन कोर्सेज की सबसे बड़ी डीमेरिट है कि इनरोलमेंट बहुत है शुरुआत में, बहुत अति उत्साहित होकर हम इनरोल हो जाते हैं और फिर वो असाइनमेंट की डेट आ जाती है, फिर वो डिले हो जाता है, फिर पेनल्टी लगने लगती है, लेकिन तब तक हम उसको सबमिट नहीं करते और धीरे 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 करके हम उसको छोड़ देते हैं। यानी कि हाई इंट्रिंसिक मोटिवेशन जरूरी है, आंतरिक आपके अंदर अभी प्रेरणा जरूरी है कि आपको ये नहीं कि ये कर लेंगे तो ये मिलेगा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन कि हमको खुशी मिलेगी अगर हमने अपना कोर्स समय पर कंप्लीट करके सर्टिफिकेट हासिल कर लिया तो। फिर क्रिएशन ऑफ मूक्स रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा खर्चा लगेगा अच्छा मूक बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि
बढ़िया सेटअप चाहिए, ऑडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वीडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपको उस हिसाब से वीडियो एडिटर होना चाहिए, उस हिसाब से आपको टेक्नीशियन चाहिए, उस हिसाब से आपको लेबोरेटरीज चाहिए, तब जाके बढ़िया मूक का निर्माण हो सकता है। ठीक, तो इतनी तो रियलिटी चेक में लगभग हर जगह पे कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल निकल आया। फिर क्या सुधार किए जा सकते हैं जिससे बढ़िया मूक का हम लोग भी फायदा उठा सकें, हम लोग मतलब भारतीय छात्र। टेक्नोलॉजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल ओवरहॉलिंग ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। हमारे जितने भी उच्च शिक्षा के केंद्र हैं, उच्च शिक्षण केंद्र, उनका टेक्नोलॉजिकली तकनीकी रूप से और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें पूरा आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई है ना, कम से कम इस बात के लिए तो हम श्योर हो जाएं कि हाँ लाइट नहीं जानी है। अभी तक अब तो महानगरों में हो गया है, दिल्ली, बॉम्बे, कैलकटा में पूछे तो मुश्किल से लाइट जाती है, बैंगलोर वगैरह, पर यहाँ तो अभी यूपी वाले, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद वाले लोग तो परेशान रहते हैं ना, लाइट चली गई, फिर लाइट चली गई, फिर लाइट चली गई, और बीच बीच में तो ऐसा मौका जाता है कि इन्वर्टर भी चला जाता है। तो ये कब जाएगा? जब तक यहाँ हमको ये नहीं हम श्योर होंगे, हम कोई प्रोग्राम करते हैं, कोई वेबिनार करते हैं, हमें लगता है लाइट ना चली जाए, लाइट चली जाएगी तो क्या होगा, तो ये भय मन से निकलना जरूरी है। उसके लिए जरूरी है कि पावर सप्लाई हमें अनइंटरप्टेड मिले, अवरोध ना उत्पन्न हो उसमें। बेटर ब्रॉडबैंड सर्विसेज है ना, आप समझते हैं। फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर टेक्नोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल एज स्टाफ। हमारे जो अभी भी बहुत सारे हायर एजुकेशन टीचर्स हैं जो वेल इक्विप्ड नहीं है टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स के साथ, टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स के संग, रिकॉर्डिंग और ये वो, ये तो कहने को पॉलिटिकली इनकरेक्ट हूँ, लेकिन फिर भी भला हो COVID-19 का जिसने वो सिचुएशन उत्पन्न की कि हर आदमी खुशी से या मजबूरी से ऑनलाइन की शरण में गया और उसने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, उसमें से मैं भी एक हूँ। ओके, फिर क्रिएशन ऑफ मोर नेटिव मूक्स, यानी कि वो मूक जो देशज हो, देशी लोग बनाएं, देशी तरीकों को ध्यान रखते हुए, कल्चरल चीजों को ध्यान रखते हुए। तो उससे क्या होगा, कम से कम आप उनका एक्सेंट तो समझ पाएंगे ना, एक्सेंट वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और हिंदी में भी मिल जाएगा आपको, अब तो आपको पता होगा स्वयं में तो बहुत क्षेत्रीय भाषाओं में भी मूक उपलब्ध हो गए, तो कम से कम वो कंडीशन हमने, वो ऑब्स्टेकल दूर कर लिया है। लेकिन खास बात क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ध्यान रखना है। अभी मैं स्वयं पे, मैं एक कोर्स में इनरोल थी और बढ़िया यूनिवर्सिटी का वो कोर्स है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और मैं पहले भी उसका एक कोर्स कर चुकी हूँ, वो बहुत बढ़िया कोर्स था, वो मतलब बहुत ही अच्छा कोर्स था, लेकिन ये वाला कोर्स उस कोर्स के आगे कुछ भी नहीं था, एकदम रिपीटेटिव उसका टेक्स्ट था, कई बार हेडिंग कुछ और थी, उसके अंदर टेक्स्ट कुछ और था, कई बार तो इवन स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, जो कि कतई इस लेवल पे बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने जब उसको लॉन्च किया है तो सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स उसमें इनरोल नहीं हो रहे, उसमें भारत के बाहर के भी बच्चे इनरोल हो रहे हैं, तो कम से कम आप ऐसा तो मत कीजिए कि बाहर के लोग ये छवि बनाएं कि हमारे यहाँ तो स्पेलिंग मिस्टेक भी होती है मूक में, तो ये गलती कतई नहीं होनी चाहिए। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे खरे उतरे ऐसे मूक्स बनाए जाने की जरूरत है। फिर फाइनेंशियल एड टू पुअर एंड मेरिटोरियस स्टूडेंट्स टू गेट दिस सर्टिफिकेशन। जो वाकई मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं पर पुअर हैं, वो उतना पैसा भी उनके पास नहीं है देने के लिए, जो इन एडिशन या एडिशनल कॉस्ट है ना मूव करना, आखिर वो कोई कोर्स तो कर रहे होंगे, उसका फीस भर रहे होंगे, तो उसकी फीस के लिए उनके उनको हम फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर सकते हैं। और ग्रेटर इन्वेस्टमेंट ऑन क्रिएशन ऑफ मूव्स, यानी कि और अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो और बढ़िया मूव हम बना सकेंगे। और लास्ट में कंक्लूडिंग रिमार्क ये है कि इफ इट इज नॉट बीन सो, यानी कि अगर हमने ये सजेशंस ध्यान नहीं दिए तो क्या होगा, देन ओनली इलीट, यानी कि जो नवधनाढ्य लोग हैं, एजुकेटेड मतलब ऑलरेडी एजुकेटेड हैं, तभी तो उनके पास अवेयरनेस है कि मूक है, यहाँ का है, वहाँ का है, ये ऑफर है, वो ऑफर है। वो बच्चा जो नहीं पढ़ा लिखा उसको कौन बताने जा रहा है कि मूक चल रहा है। एंड मेल्स, देखिए खास तौर पे मैंने यहाँ मेल्स लिखा है, क्यों? क्योंकि मेल्स को तो अपर एज है ही सोसाइटी में, अपने आप में इलीट हो जाते हैं फीमेल्स के तहत। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल काम है ना, ऑनलाइन होना है, कितनी देर आपको ऑनलाइन होने की अनुमति है, कितनी लड़कियों के पास मोबाइल है, कितनी लड़कियों को उनके घर वालों ने स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जिसमें इंटरनेट फैसिलिटी है ना, तो जनरली मेल्स के पास ये सारी सुविधाएं हैं। तो इलीट आदमी ले पाएगा उस कोर्स को, जो पहले से पढ़ा लिखा है वो इनरोल होगा और मेल्स इनरोल होंगे, तो क्या करेंगे ये कि जो हमारा डिजिटल जेंडर डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड, उसको कम करने की बजाय और बढ़ा देंगे, यानी कि अच्छा करने की बजाय बुरा करने लगेगा ये। जो पहले से जिसके पास कम है वो और कम होता जाएगा, जिसके पास अधिक है उसको और ज्यादा मिलता जाएगा। ठीक, और लास्ट में थैंक यू। आई थिंक
कि मैंने कम समय में आपको बेहतर तरीके से मतलब सब कुछ कवर करते हुए ये बताने की कोशिश की कि मूक क्या है, कितने प्रकार का होता है, ग्लोबली कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है, इंडिया में कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्या हम इससे मान के चलते हैं कि ये कर पाएगा, या क्यों ये लाया गया, क्यों ये इतना पॉपुलर हो गया, लेकिन क्यों ये फेल हुआ, या कह सकते हैं कि उस हद तक सफल नहीं हुआ क्योंकि इसमें ये कमियां हैं, और अगर हम इस तरीके से सुधार करेंगे तो इसको सुधार सकते हैं, और वाकई चीज तो अच्छी है, नो डाउट। ओके, डन।